कौन हो तुम? मेरे रूम में कैसे घुसी तुम? हाउसकीपिंग अभी मैनेजर के साथ करके तुम काम से निकल रहा था। सॉरी रतन सर, एक्चुअली आपके रूम का फायर अलार्म गलती से बज गया था। मैं चेक करने आया था कि कोई खतरा तो नहीं है। मैंने दरवाज़ा लॉक किया था पर शायद आप सो रहे तो इसलिए खोला नहीं, इसलिए मुझे मास्टर की यूज़ करके अंदर आना पड़ा। आर यू फाइन? I'm fine. Go. सोने के बाद भी सर दर्द क्यों रहा है? लगता डबल शॉट कॉफी भी नहीं पड़ेगी। हाँ अलीशा, काम हो गया। ग्रेट जॉब। अब फटाफट वहाँ से निकलो, होटल का एक्चुअल स्टाफ 5 मिनट में वहाँ आ जाएगा। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ, बाय। उनका नाम क्या है? सर रतन जी, वो हमारे रेगुलर कस्टमर थे और वो बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट भी थे सर। फिजिसिस्ट? जी सर। मतलब फिजिक्स में एक्सपर्ट है ये? जी सर। कितने बजे हुआ ये सब? सर यही तकरीबन सुबह 6:30 बजे। हटिए, चलिए हटिए प्लीज, हटिए। इसके छाती में तो इतने सारे दांत घुसे हैं। तो अगर इसकी मौत ये माइक्रोवेव ओवन ब्लास्ट होने की वजह से हुई है तो ये 1, 2, 3, 4, 6 दांत इसके शरीर में क्या कर रहे हैं? माइक्रोवेव ब्लास्ट नहीं हुआ सर, यहाँ तो गन रखी हुई है। दांत पहले से ही गन में फिक्स थी सर। लगता है इस रतन को मारने की अच्छी खासी प्लानिंग की गई है। क्यों मैनेजर साहब, पता भी है आपको क्या हो रहा है आपके होटल में? आपके होटल के गेस्ट को किसी ने मारने की प्लानिंग की, माइक्रोवेव में ये डार्ट लगाकर। सर मैं खुद सरप्राइज हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ तुम्हारे होटल के रूम में एक मर्डर हुआ है, इसकी जवाबदारी आपके होटल की है और आपकी। पर सर आप बताइए, हम अपने कस्टमर को क्यों मारेंगे? जोया तुम बताओ ना सर को। सर के चेक इन करने के पहले तुमने कमरा ठीक से देखा था ना? जी सर। सर पूछिए ना। सर कल रात 11 बजे सर चेक इन किए थे होटल में। 10:30 बजे मैंने खुद चेक की थी कि सामान सब कुछ ठीक है कि नहीं, और माइक्रोवेव में उस वक्त कुछ डार्ट्स वगैरह नहीं थे। सर आधा खाया हुआ पिज्जा है सर। यार ये आपके यहाँ ये बाहर का खाना अलाउड है? सर अलाउड तो नहीं है, लेकिन रतन सर रेगुलर थे तो किसी स्टाफ ने अलाउ कर दिया होगा सर। यार स्टाफ में कौन था जब ये पिज्जा कमरे के अंदर लाया गया? हा? क्या हुआ? हमारे सवाल शुरू हुए तो तुम्हारी दुकानें बंद होगी? सीसीटीवी फुटेज देखना है हमें। रात 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक जो कुछ भी हुआ उन्हीं 7.5 घंटों के बीच में ही हुआ है। जोया 10:30 बजे रतन जी के कमरे में गई और 11:15 बजे बाहर आई, 15 मिनट में। ग्यारह बज के 11 मिनट पे ही रतन कमरे में गया। फॉरवर्ड करना सर। 11:30 बजे हैं और ये रहा रतन का पहला विजिट है। अरे 5 मिनट में बाहर भी आ गया। काफी गुस्से में भी लग रही है। कौन है? सर ये अमित है, रतन सर के भाई। पहली बार आए थे होटल में। रतन जी तो मिलना भी नहीं चाहते थे इन्हें, पर इन्होंने जबरदस्ती करके रूम में घुस गए। अच्छा, वो पिज्जा कमरे के अंदर ऐसे गया सर। फॉरवर्ड करना जरा, फॉरवर्ड करना। ये निकली स्टॉप 2 बजे। ओ 12:30 बजे ये अंदर जाती है पिज्जा लेके और 2 बजे बाहर आती है। कौन है ये औरत? है सर, इनका नाम शमिता है। ये रतन जी की बहुत खास दोस्त है, लगभग हर वीकेंड में आते हैं उन्हें मिलने के लिए। शमिता खास दोस्त रात के 12:30 बजे आती है पिज्जा लेकर। रतन को आखिरी कॉल किसी शमिता नाम की लड़की ने किया था और उससे पहले किसी अमित ने। सर। हाँ पंकज। एक सेकंड, ये पासपोर्ट देखिए सर। इस पे ये कैम्बी का वीजा लगा है। तो सर ये बॉम्बे से कैम्बी जाने का टिकट। फोटो तो उसे की है पर नाम रतन नहीं है। दिग्विजय कुमार। सुबह के 6 बजे होटल का स्टाफ मेंबर रतन के कमरे में जाता है और 6:30 बजे बाहर आता है, मतलब ठीक रतन की मौत से पहले। कौन है ये स्टाफ मेंबर? पता नहीं सर। क्या आप अपने स्टाफ वाले को नहीं पहचानते हैं? सर ये स्टाफ का आदमी नहीं है। मैं पता करवाता हूँ सर। वो कोई जाकर देखो ये आदमी कौन है। कोई नया स्टाफ आया है क्या? सर एक बात समझ में नहीं आ रही। ये रतन एक फिजिसिस्ट था, देश के स्पेशलाइज्ड स्पेस प्रोग्राम पे काम कर रहा था। नकली पासपोर्ट बनाने की क्या जरूरत? वही तो, कोई किसी फिजिसिस्ट को मारने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करेगा? पूर्वी ये लैपटॉप चेक करो सर। रतन का सर। हाँ मैंने सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया। ये बंदा होटल के किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है। इवन वो स्टाफ का भी नहीं था सर। सर मुझे लगता है वो बाहर का ही था। ये लो, कोई बाहर का अनजान आदमी आपके यहाँ आता है, होटल का स्टाफ बनके घूम रहा है। ये आपकी सिक्योरिटी है, हैं? हाँ पूर्वी कुछ मिला? हाँ सर, लैपटॉप हैक किया तो कुछ सीक्रेट फाइल्स मिली है। ये कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन है, देश की सुरक्षा से कनेक्टेड है। माय गॉड, ये क्या हुआ? सर ये खुफिया इन्फॉर्मेशन रतन किसी को बेचना चाह रहा था। ये देखिए, इस डील से रिलेटेड मेल्स भेजे उसने किसी को। ये देखिए ये सारे हैं। एग्जैक्टली ये खुफिया इन्फॉर्मेशन क्या है जो रतन बेचने वाला था? सर हमारे देश के बॉर्डर पे कितने जवान तैनात हैं, आर्मी के पास कौन कौन से हथियार हैं, फौज की टुकड़ियाँ किन किन एरियाज में और कहाँ पर नहीं, सारी जानकारी है सर। अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सर ये मिलिट्री की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स उसे मिली कहाँ से? ऑब्वियसली पंकज, किसी आम आदमी के पास ये क्लासिफाइड फाइल्स नहीं हो सकते हैं। ये क्लासिफाइड फाइल्स और ये डुप्लीकेट पासपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये रतन कोई फिजिसिस्ट नहीं था। ये किसी दुश्मन देश का जासूस था जो अपना काम करने के बाद इस नकली पासपोर्ट के जरिए देश छोड़ के भागने वाला था हमेशा के लिए। ये तो एप्रन वगैरह निकाल के बाहर निकल गया सर। फोन पर भी बात कर रहा है। भाई पार्टनर हो बाहर रेडी। होटल के बाहर का जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबकी फुटेज चेक करो। सर, जब तक इस अनजान स्टाफर का पता चलता है कि शमिता और रतन का भाई अमित, इनसे पूछताछ करते हैं। सर, ये रतन शायद फिजिसिस्ट नहीं था, दुश्मन देश का जासूस था सर। जासूस? हाँ सर, हमें उसके बैग से ये नकली पासपोर्ट मिला, उसके लैपटॉप में ये खुफिया फाइल्स है सर, ये देखिए। माय गॉड, तो फिर हमें जल्दी से जल्दी रतन के घर वालों से मिलना चाहिए और इस शमिता से भी। पता तो चले कि रतन फिजिसिस्ट था भी या कोई जासूस। एक तो अभी मेरे पति का खून हुआ और अब सीआईडी वाले उन पर देर से गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं। भाभी संभालिए अपने आप को। वैसे ही भाई साहब की मौत के सदमे से आपकी तबीयत खराब है। सर अमित, आपसे भी कुछ सवाल करना है हमें। आप लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं, तो कल रात अपने भाई के पीछे पीछे होटल रूम में क्या करने गए थे आप? मैंने ही भेजा था उन्हें वहाँ। तुमने भेजा? किस लिए? क्योंकि रतन भाई साहब पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करके हमें घर से निकालना चाहते थे। वसीयत के पेपर के साथ भी छेड़छाड़ की थी उन्होंने, और अपने भाई का तो उन्हें कोई लिहाज ही नहीं था। ये तुम क्या कह रही हो दिया? भाभी प्लीज, ये सारी बातें यहाँ पर हो सकती थी घर में, उसके लिए होटल में जाने की क्या जरूरत थी? सर, लड़ाई झगड़ा करके हम घर का माहौल नहीं खराब करना चाहते थे, और रतन भाई साहब इस टॉपिक को कई दिनों से अवॉइड कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि होटल में जाके बात करना ही ठीक रहेगा। मगर कमरे से तो तुम बहुत जल्दी वापस आ गए थे, इतनी जल्दी बात हो गई? सर, होटल के कमरे में भी बात हो नहीं पाई थी। भाई साहब बहुत नींद में थे और थके हुए थे, इसीलिए चिड़चिड़े भी हो गए थे, और गुस्से में आके मैं भी वहाँ से निकल गया। इतना बड़ा घर है फिर भी होटल में जाके ठहरते थे है? सर, रतन काफी इंट्रोवर्ट थे, उन्हें अकेलापन चाहिए होता था ताकि वो अपने काम में ज्यादा ठीक से ध्यान लगा सके। घर में भी होते तो अक्सर वो अपने कमरे में ही होते थे। उन्हें जब कभी ज्यादा डिस्टर्बेंस महसूस होता था तो वो अक्सर होटल में जाया करते थे। ये शमिता कौन है? शमिता? प्लीज कुछ कीजिए ऑफिसर, मैंने सुबह मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी, शाम होने वाली है, मेरी बीवी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। जीजू प्लीज रिलैक्स, शमिता दीदी मिल जाएगी। क्या शमिता जी लापता है? जी। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। अच्छा, वो आप लोग आ गए, ये लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे। अब आप लोग पता लगाइए ना मेरी बीवी कहाँ है। हम लोग तो पता लगा ही लेंगे, एक खून करके जो भागी है वो। क्या? कहने के लिए तो रतन मेरे पति थे, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी, वो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते थे। उनकी जिंदगी के हर पन्ने मेरे लिए राज से कम नहीं था। ये शमिता कौन है मैं कुछ नहीं जानती, मैंने ये नाम भी नहीं सुना, यहाँ तक कि वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। ये उस होटल कॉरिडोर की फुटेज। कल घर से कहाँ जाने के लिए निकली थी शमिता? अब घर से तो ऑफिस के लिए ही निकली थी, मगर ऑफिस से निकलने के बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, कल डिनर में क्या खाया था रतन ने? प्लेन चीज पिज्जा। है ना भाभी? हाँ, प्लेन चीज पिज्जा। कमाल है अभिजीत, होटल में भी पिज्जा और घर में भी पिज्जा। भाई साहब ने होटल में भी पिज्जा खाया था? जी, वही पिज्जा जो शमिता लेकर आई थी। किडनैपर्स का फोन आया था। शमिता को किडनैप करना इतना आसान नहीं है। आईबी विंग में काम करती है वो। हर तरह से ट्रेंड है हर खतरे से निपटने के लिए। आईबी, आप अपने दीदी का कमरा दिखाइए जरा। सर, ये है दीदी का कमरा। सर यहाँ आइए प्लीज। ये लो, कमरे के अंदर कमरा। सर इधर आइए। ये कंप्यूटर हैक हुआ है सर। एक काम करो, पूरे घर की तलाशी लो। गाड़ियां, विग्स, ओहो, प्रोस्थेटिक्स। अभिजीत, देखा है सर? हाँ सर। और ये लॉकर में क्लासिफाइड फाइल्स। लगता है काफी समय से जासूसी चल रही है इसकी। सिर्फ इतना ही नहीं सर, कोई तो है जो रतन पे नजर रखे हुए था। उसकी कंप्यूटर की एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा था। ये कंप्यूटर हैक्ड है। कौन हैकर है पता लगा? अब क्या कहना आप लोगों को इसके बारे में? एक ही छत के नीचे रहते थे आप लोग रतन के साथ, और इस बारे में आप लोगों को भनक भी नहीं है? सर भनक कैसी लगती सर? रतन भाई साहब तो अपने कमरे में किसी को घुसने भी नहीं देते थे, और यहाँ तक कि सर काम वाली को भी नहीं। सफाई वगैरह भी वो खुद ही किया करते थे। फिर जस्मीन जी, आपका क्या कहना है? ये तो बेडरूम के अंदर का ही कमरा। सर मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। अरे ये कब और कैसे? तो शमिता घर पे नहीं है सर, लापता है वो। आईबी ब्यूरो में काम करती है सर, हमने उसका लैपटॉप चेक किया। पूर्वी को रतन के लैपटॉप में जो खुफिया इंफॉर्मेशन मिली थी सर, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ शमिता के लैपटॉप में भी है। ये जानकारी लीक करके देश छोड़ के भागने का इरादा था। ये शमिता आईबी में नौकरी करती थी, इसका मतलब है वो देश की सारी खुफिया जानकारी उसके पास थी जो वो रतन को देती थी, और रतन ये दुश्मन देशों को दे देता था। दोनों पैसे कमा रहे थे इसके ऊपर। हाँ सर, मगर इस बार उसने डबल क्रॉस कर दिया रतन को। उसने उसे जान से मार दिया और मार के यहाँ से भाग गई। या सारे के सारे सबूत इकट्ठा करो और ब्यूरो में लेकर आओ। सर शमिता, आद्या सर, ये विक्रम और अंजलि, इनके जो एलिबाइज हैं वो हमने चेक किए। जब खून हुआ उस रात ये विक्रम ग्रैंड रोड में एक ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, और रात के करीब 2 बजे घर पहुंचा वो। और ये अंजलि सर, अंजलि भी रात के 12 बजे तक काम कर रही थी, और करीब 1:30 बजे के आसपास वो घर पहुंची। सब देखकर ऐसे लगता है कि ये कोई मामूली मर्डर केस नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सर, सर ये देखिए सर, ठीक ब्लास्ट से पहले सुबह 6:30 बजे के आसपास इस लाल गाड़ी में एक औरत होटल से बाहर गई। सर हाँ, वो जो नकली होटल स्टाफ वाला था ना सर, वो भी उसी वक्त निकला था लेकिन दूसरे गेट से। ये देखिए पूर्वी, गाड़ी कितने बजे आई थी होटल में? सुबह 6 बजे। निकल गई 6:30 बजे, आधे घंटे बाद। लड़की के चेहरे पे जूम करो जरा, देखें तो सही। हमारे डेटाबेस में कुछ नाम और चेहरे हैं जिनसे देश की सिक्योरिटी को खतरा है। ये गद्दारों और जासूसों वाली लिस्ट, इनके चेहरे स्कैन करो और उन सब से मैच करके देखो। और पंकज, आगे उसे पता करो कि ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर हाँ, बड़ा ही कंफ्यूजिंग केस है सर, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है आखिर ये माजरा है क्या। रेडी, एक बात तो पक्की है कि ये केस देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए जिसने भी शमिता और रतन को मारा है ना, वो कोई मामूली क्रिमिनल नहीं, मामूली खूनी नहीं है। ये चक्कर कुछ और ही है। ओहो, अरे क्या हुआ, कुछ मिला? हाँ सर मिला, ये आदमी और औरत उस लिस्ट में नहीं है देश के गद्दारों वाले, बल्कि उन लोगों के लिस्ट में है जो देश से गद्दारी करने वालों को पकड़ के खत्म करते हैं। सर ये दोनों आईबी ऑफिसर्स हैं, अलीशा और ईशान। ACP प्रद्युमन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर यही इल्जाम किसी और ने लगाया होता तो वो ऑफिसर अब तक बहुत पछता रहा होता। शिखर जी, आप आईबी के हेड हैं, इसलिए वरना आपका ये धमकी वाला रवैया मैं भी बर्दाश्त नहीं करता। ACP साहब, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, आपके इल्जाम का जवाब दे रहा हूं। आपने बड़ी आसानी से हम पर रतन और शमिता के खून का इल्जाम लगाया है। क्या आपको लगता है कि वो देश के गद्दार थे और इसीलिए हमने उनको मार डाला? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं साफ साफ पूछ रहा हूं कि क्या जो कुछ भी हुआ वैसा ही हुआ? देखिए सर, हम लोगों को पता है कि आप लोग जानते थे कि ये दोनों देश के सुरक्षा से संबंधित कुछ खास जानकारी दुश्मनों को बेचने वाले थे। और हमें ये भी पता है शेखर जी कि जिस वक्त रतन का खून होने वाला था उस वक्त ईशान और आलिशा वहां उस होटल में मौजूद थे। रतन का खून होने से कुछ मिनटों पहले ही ईशान रतन के कमरे में गया था। शमिता रतन के कमरे में पिज्जा लेकर गई थी, एक ऐसा पिज्जा शायद जिसमें बेहोशी की दवाई थी। हा? तो आप लोगों ने शायद उससे कुछ ऐसा कहा होगा कि हमारे लिए काम कर दो और रतन को मार दो, तो आप लोग उसे छोड़ दोगे क्यों? मगर वो अलग बात है कि उससे पहले शमिता मारी गई खुद अपने ही घर में। ये सच है कि हमें शमिता और रतन के गैर कानूनी कामों के बारे में पता चल गया था और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन पर नजर रख रहे हैं। कुछ ऐसी कहानी सुनाइए शेखर जी जिस पर यकीन किया जाए। सर प्लीज, आप शेखर सर से इस तरह बात नहीं कर सकते, और तुम भी ACP साहब से इस तरह से बात नहीं कर सकते। रिलैक्स बॉयज। अलीशा, तुम ही बताओ, तुम दोनों उस दिन होटल पे क्यों गए थे? सर, रतन के लैपटॉप से उन फाइल्स की कॉपी बनाने जो उसने दुश्मन देश को ईमेल कर दिया था, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी कौन कौन सी खुफिया इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच चुकी है। तो अब तसल्ली हो गई आपकी? हमारा मकसद सिर्फ नजर रखना था, मारना नहीं था। हाँ, लेकिन अगर जरूरत पड़े और हमारे पास ऑर्डर्स हो तो ऐसे देश के गद्दारों को मारने के लिए हमें आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। सर फिलहाल तो टेंशन वाली बात यह है कि जिस किसी ने उन दोनों को मारा है तो उसके हाथ देश की खुफिया जानकारी लगी होगी। वो ये जानकारी जिसे मर्जी दे सकता है, दुश्मनों को, आतंकवादियों को या किसी और को भी। हाँ, अगर हमें वो इंसान मिल गया जिसने उन दोनों को मारा है और तो जिसके पास देश की खुफिया जानकारी है, तो हम उसे मारने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। और हमें पूरा यकीन है कि IB के पहुँचने से पहले CID उस तक पहुँच जाएगी। ACP प्रद्युमन, अपने ऑफिसर को समझाइए ये वक्त एक दूसरे को चुनौती देने का नहीं है, बल्कि मिलकर साथ काम करने का है। शिखर जी, देश की चिंता जितनी आप लोगों को है ना, उतनी चिंता हम सीआईडी वालों को भी है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जब तक ये मर्डर सुलझा नहीं जाता तब तक आप उस गद्दार तक पहुंच नहीं सकते। शमिता ने वो खास जानकारी लीक करके रतन को दी और रतन वो इंफॉर्मेशन किसी को बेचने वाला था। मगर इससे पहले कि रतन अपनी गद्दारी का काम पूरा कर ले, किसी ने शमिता को रतन के खून के प्लान में हिस्सा बना दिया। और अब अगर वो ईशान नहीं है तो जो कोई भी है सर, उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ये उसी ने शमिता को भी मारा है। ना बोलता हूँ क्या सारुण के? जब क्या नया चक्कर है तेरा? क्यों? जब हम लोगों ने अपनी आंखों से उस सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि रात के 12:30 बजे शमिता वहां होटल के कॉरिडोर में थी, तो तू कह रहा है कि वो शमिता नहीं थी? कौन हो सकता है? रतन की मौत कैसे हुई? रतन की मौत हुई जहर की वजह से। वो डार्ट जो हमें रतन की बॉडी में से मिला है, उस पर इतना जबरदस्त जहर लगा हुआ था कि सेकेंड्स में ही रतन की मौत हो गई। और सर पॉइंट नंबर 2, इस माइक्रोवेव में डार्ट फिक्स करने के लिए खूनी को पूरा टाइम मिला होगा, क्योंकि ये नशीला पिज्जा खाने की वजह से वो बेहोशी की हालत में पड़ा होगा। बस जो नशीली दवाई हमें पिज्जा में मिली है, उसी नशीली दवाई के ट्रेसेस हमें रतन के पेट में से। हाँ, अभी पूरे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से चेक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन यार शाम के मैंने सब कुछ मान लिया, बस सब कुछ मान लिया, लेकिन पहले ये बता इन सारी चीजों का शमिता के वहाँ होटल में ना होने से क्या कनेक्शन? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ बॉस। शमिता डायबिटीज की पेशेंट थी, शक्कर की बीमारी। शमिता की मौत हुई है किसी मिलावट वाले इंसुलिन के इंजेक्शन की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शमिता का मौत का टाइम है रात को 10 से 12 के बीच का। क्या? एग्जैक्टली। तो 12 बजे तक अगर वो मर चुकी थी, फिर 12:30 बजे वो हमें होटल में कैसे दिख सकती है? तो अगर शमिता ने रतन को नहीं मारा और अमित, ईशान और अलीशा ने भी नहीं मारा, तो फिर रतन को मारा किसने? और फिर वो फुटेज में जो औरत हमने देखी थी, अगर वो शमिता नहीं थी तो फिर कौन थी? शमिता। एसीपी साहब, आप शायद नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी टेंशन में हूँ। अगर वो खूनी नहीं पकड़ा गया जिसने रतन और शमिता को मारा है, तो देश कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, ये आप नहीं जानते। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ शिखर जी, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, हम देश पर कोई भी आंच आने नहीं देंगे, उससे पहले ही हम खूनी को पकड़ लेंगे। सर, वो खूनी की आइडेंटिटी हमें वो ईमेल से मिल सकती है सर, जो रतन और शमिता ने एक दूसरे को भेजा है। आप पंकज, मुझे तो ये भी लगता है कि जरूर कोई आसपास वाला ही है जिसे शमिता और रतन, इन दोनों की छोटी सी छोटी आदतों के बारे में पूरी जानकारी थी। हाँ सर, जैसे कि सुबह उठते ही रतन का माइक्रोवेव में कॉफी बनाना और शमिता को इंसुलिन के इंजेक्शन पहुंचा देना, वो तो कोई पास वाला ही आदमी कर सकता है। और उन्हीं को ये भी पता था कि ये अंजलि और विक्रम रात 1 बजे से पहले घर आने वाले नहीं है। आखिर खूनी कौन हो सकता है सर? सर, एक बात समझ में नहीं आ रही सर, ये रतन और शमिता एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं, मगर गद्दारी करने का इन्होंने ये 3 हफ्ते पहले ही सोचा, ऐसे अचानक? हाँ सर, बात थोड़ी अजीब तो है। इन 3 हफ्तों के पहले इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं रहा खुफिया खबर के एक्सचेंज को लेकर। इस सबका इस तीसरे गद्दार से क्या लेना देना? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ सर, हमने सारे सुरागों के ताले खोल दिए, लेकिन हमें वो दरवाजा नहीं मिल रहा जो हमें तीसरे जासूस तक ले जा सके। तीसरा दरवाजा है, ये तीसरा दरवाजा हमें उस जासूस तक ले जाएगा। कौन सा? उस दरवाजे का नाम है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा और जो बड़े बड़े काले चश्मे और घुंघराले बाल का विग पहनकर घूमती है ना, शमिता बनकर, उसने उस दिन पिज़्ज़ा लाया बाहर से होटल के अंदर। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे वो नशीली दवाई मिलानी थी पिज़्ज़ा में। अगर होटल में ऑर्डर करती तो उसे मौका नहीं मिलता और ना ही वक्त मिलता वो नशीली दवाई पिज्जा में मिलाने के लिए। और होटल वालों ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो लोग उसे जानते थे। दया, होटल दे रॉयल के आसपास इस पिज्जा लो ब्रांड के पिज्जा की कितनी दुकानें हैं, पता लगाते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ सर, कल रात 12:15 बजे कोई तो आया था पिज्जा लेने, लेकिन वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। इन दोनों में से कोई था? हाँ सर, यही था वो विक्रम। चक्कर क्या है? अरिका, एक मिनट आओ। Yes? अरिका, ये दोनों स्लाइड्स में पिज्जा के सैंपल्स हैं। इसमें वो है जो हमने उसके पेट में से निकाला है। दूसरा ये पिज्जा का वो टुकड़ा है जो एक्चुअल है, जो टेबल पे रखा हुआ था। जरा देखो दोनों। सर, इट्स ऑब्वियस ना कि यही वाला पिज्जा खा के रतन वो बेहोशी वाले रूम सोया था। उसमें देखना क्या है? Do you think I'm a fool? No, क्या पे? अरे कोई वजह होगी तभी तुम्हें दिखा रहा हूँ ना। प्लीज देखो ना। Of course, sir. Just see it. हाँ हाँ सर, हाँ। वेदन, क्या? इसका मतलब रतन ये पिज्जा खा के दोष नहीं हुआ है? Exactly, वही दिखाना चाहता था मैं तुम्हें। क्या खाया होगा उसने? विक्रम, विक्रम, उसे क्या हो गया? विक्रम, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? फोन पे? हाँ, क्या है इस फोन पे? मिनट में एम्बुलेंस आ रही है। गुड गुड। शमिता और रतन सामने। सर, फोटो देखिए तो लग रहा है कि लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। एक महीने पुराना फोटो। दोनों प्यार करते थे या जासूस थे? हाँ डॉक्टर साहब। अरे यार, इस केस में तो नया ही पेज फंस गया। अब क्या हुआ? याद है वो पिज़्ज़ा जो रतन ने खाया था होटल में, जिसकी वजह से वो गहरी नींद सो गया? हाँ हाँ, वही पिज़्ज़ा जो वो नकली शमिता होटल के रूम में लेकर गई थी। यार, यही गच्चा खा गए। दरअसल रतन उस पिज़्ज़ा को खाने की वजह से बेहोश हुआ ही नहीं। रतन बेहोश हुआ है किसी और चीज़ को खाने की वजह से, जो शायद उसने होटल में आने से पहले ही खा ली। होटल में आने से पहले? अभिजीत ने बताया था कि होटल आने से पहले रतन ने पिज़्ज़ा ही खाया था। अच्छा, कल डिनर में क्या खाया था रतन ने? प्लेन चीज पिज्जा, है ना भाभी? हाँ। जैस्मिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इन लोगों ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा। मुझे कुछ पता ही नहीं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं आई तो ये लोग मुझे जान से मार देगी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। वो कौन तुम लोग? हम तीनों को यहाँ धोखे से बुलाने का मतलब? देश के साथ धोखा ना हो, इसलिए हमें कभी कभी मुजरिमों के साथ धोखा करना पड़ता है। आईबी विंग। आप लोग वही है ना जिन्होंने रतन भैया को मारा था? रतन को किसने मारा और किसने नहीं, इसकी सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन दिया, अमित, एक और सच्चाई आना बाकी है। वो क्या? वो ये कि तुम दोनों को ये पता होना चाहिए कि तुम एक देश के गद्दार के साथ रह रहे हो, है ना जैस्मिन? What nonsense! तुम लोग मुझे देश का गद्दार कह रहे हैं? रतन को बेहोशी वाला खाना तुमने खिलाया था ना, जिसकी वजह से उसकी बाद में मौत हो गई। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से अपना जुर्म कबूल कर लो। क्या कह रहे हो तुम लोग? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कौन सी बेहोशी वाली दवाई? मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? हाँ, क्यों उसे बेहोशी वाली दवाई दूंगी? अमित, तुम चुप क्यों? हाँ, तुम उस दिन मेरे साथ थे ना जब मैंने रतन को खाना दिया था। तो फिर तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तुम क्यों? कुछ तो बोलो ना। सारी कोशिशें बेकार है जस्मीन। अपने देवर भैया के मुंह से सच उगलवाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये अपना मुंह खोलेगा ही नहीं। ये सारा किया धरा इसी का है। विक्रम को जानते हो? कौन विक्रम? आप लोग इस तरफ आइए। वही विक्रम जिसे शमिता और रतन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में तुमने जानकारी दी थी और कुछ फोटो भी भेजे थे हेलो मैसेंजर पे। ये देखो, डिस्प्ले पिक्चर में तुम्हारा चेहरा है। कुछ याद है? ये क्या? शमिता और रतन के फोटोग्राफ्स विक्रम को हेलो मैसेंजर ऐप से जैस्मिन ने किसी और ने भेजा। अमित, देश को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था सर। और ये सारा गद्दार जासूस वाला जो एंगल है, ये सब कुछ मेरा गेम प्लान था, ताकि मैं कानून को गुमराह कर सकूं। पूरी बात डिटेल में बताओ, ये गद्दारी वाला नाटक क्या है? सर, ये सब एक गेम प्लान था, ताकि रतन की मौत का इल्जाम मुझ पर ना आए और शमिता का मौत का इल्जाम विक्रम पर ना जाए। इसीलिए मैंने ये सब गद्दार जासूस का ताना बाना बुना था। तो रतन को मारना क्यों चाहते थे तुम? हाँ? क्योंकि वो मुझे और दिया को घर से बाहर निकाल देना चाहता था, और अगर वो ऐसा कर देता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त मुझे रतन और शमिता के लव अफेयर के बारे में पता चल गया, और तभी मैंने ये सारा प्लान रचा। मैंने शमिता के हस्बैंड विक्रम को उसकी बेवफा बीवी का सबूत दिया। गुस्सा तो इतना आ रहा है मुझे कि मन कर रहा है उसे डिवोर्स दे दूं, मगर क्या करूं, इसमें मेरा ही नुकसान है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं खुद ही सड़क पे आ जाऊंगा। तो डिवोर्स मत दो, कुछ उससे भी बड़ा सोचो। मार डाले उन्हें। फिर मैंने और विक्रम ने रतन और शमिता के कंप्यूटर पे उनके नाम से ईमेल अकाउंट्स बनाए। रतन वाले ईमेल्स मैं भेजता था और शमिता वाले विक्रम। उस रात होटल में विक्रम ही नकली शमिता बनकर गया था। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि रतन गहरी नींद में है। बस फिर उसने माइक्रोवेव में डार्ट्स फिट किए, थोड़ा सा पिज्ज़ा खाया, नशीली दवाई मिलाई और फिर कमरे में से चला गया। और शमिता को वो जहरीला इंसुलिन का इंजेक्शन तुमने ही दिया था ना? हाँ, होटल जाने से पहले मैं शमिता के घर गया था। जी कहिए, आप कौन? तुम्हें आजाद करने आया हूँ। मतलब? दो लोगों से प्यार करना अच्छी बात तो नहीं है ना शमिता जी? होटल के कमरे में रतन से मिलने क्यों गए थे तुम, जब ये सारा प्लान पहले से ही करके रखा हुआ था? भले ही वो मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहता था, लेकिन था तो वो मेरा ही भाई। एक आखिरी मुलाकात तो बनती थी, और ये सब मेरे प्लान में भी मेरी मदद करती। मैंने विक्रम को पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि रतन नींद में है और कुछ ही देर में सो जाएगा। और तुम्हें लगा कि सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारे लोग दिखेंगे, उसमें अगर तुम भी दिख जाओगे तो कोई शक नहीं करेगा। इसीलिए तो मैंने ये सारा गद्दार जासूस वाला खेल रचा था, ताकि आप सब लोग इसी में उलझ के रह जाए। लेकिन जब ये आईबी वाले भी इस केस में जुड़ गए तो विक्रम डर गया और इसलिए तुमने उसे पैरालाइज कर दिया, और कुछ चारा भी नहीं था मेरे पास। ये तुमने क्या किया अमित? पैसों के लिए तुमने अपने भाई को मार दिया। अमित, जायदाद और पैसों की लालच में तुमने अपने सगे भाई का खून कर दिया। और तो कानून के साथ और देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया। बहुत संगीन जुर्म किए तुमने। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.